हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YT सुखेन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर के बारे में। जब भी आप अपने वर्डप्रेस की साइट पे कोई भी लार्ज फाइल अपलोड करते हैं तो खासकर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के सी पैनल में आ जाना है, यानी कि आपके होस्टिंग के सी पैनल में आ जाना है और फाइल मैनेजर पर आना है। और फाइल मैनेजर पे आने के बाद जो है, एक मिनट मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम फाइल मैनेजर पे आ चुके हैं और आपको अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका जो होस्टिंग है वो सिंगल साइट वाला है तो सिंपल आपको पब्लिक HTML में आना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल जो है तो साइट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे मेरा डोमेन है मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चेक करके और सेव बटन पे क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आपको एक फाइल मिलेगी जो कि .hextaccess। तो सिंपल यहाँ पे इसको राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसको एडिट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोड ऐड करना होगा। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या करना है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो है तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो इंड वर्डप्रेस लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा क्या करना है, इंटर मारना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, एक बार यहाँ पे इसको रिलोड करना है और इसके बाद जो है तो यहाँ पे फाइल पे आना है और यहाँ पे आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी php.ini के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं php.ini और क्रिएट न्यू फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद जो है तो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे सेट टाइम लिमिट को और यहाँ पे आएंगे और इस फाइल को जो हमने अभी क्रिएट किया है इसको यहाँ पे एडिट करेंगे और इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने इस साइट पे और एक बार हम इसको यहाँ पे रिलोड करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने XML फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और इसका जो साइज है 7 MB के आसपास का है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम अपलोड करेंगे और अपलोड एंड इम्पोर्ट बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 158 पोस्ट हमारे इस XML फाइल में थी। तो हमने इसको जो है तो इम्पोर्ट कर लिया है और ये ट्रिक काम कर गई है। इस ट्रिक की हेल्प से जो है तो आप अपने किसी भी वर्डप्रेस साइट में लार्ज फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा और यदि आपको वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।